हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डॉक्टर्स और यूजर्स के लिए जो है पेज क्रिएट किया था, और साथ ही में हमने जो है दो कंट्रोलर क्रिएट किए थे जिसमें हम यूजर लिस्ट और डॉक्टर लिस्ट को जो है गेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक्चुअल में जो है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो इस पेजेस के अंदर, यानी डॉक्टर पेज और यूजर पेज के अंदर, सबसे पहले हमको एक फंक्शन बनाना है जिसकी मदद से हम सारे यूजर्स को और सारे डॉक्टर्स को जो है गेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर यूजर के पेज में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और साथ ही में आपको क्या करना है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देना है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हुक आपको ऐड कर देना है, और सबसे पहले यूजर को क्या करेंगे, हम गेट करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर्स इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियली एम्प्टी एरे, और इसके बाद में यहाँ पर हम गेट करेंगे यूजर्स को। और इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल करेंगे, कॉन्स्ट गेट यूजर्स इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक के अंदर उसको कॉल करेंगे गेट यूजर्स। और इस गेट यूजर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक कर देंगे, एसिंक फंक्शन, और उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का हमको यूज करना है। सो यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर दें, कंसोल डॉट लॉक कर दें, जो भी एरर आएगा उसको यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉक कर ले। और क्या कर सकते हैं हम, ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स के लिए वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट करेंगे हम, और यहाँ पर हमको एक्सियोस लगेगा, तो ऊपर आप क्या करें, एक्सियोस को इम्पोर्ट भी कर लें, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे, और सबसे पहले हमारे पास रहेगा एंड पॉइंट। तो हमारे पास एंड पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा API /v1/admin/getAllUsers। इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें आप, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो। और साथ ही में देखिए, ये भी एंड पॉइंट आपको चाहिए, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको ऐड किया था या नहीं, तो server.js की फाइल में चेक कर लेते हैं। तो राउट्स में तो अभी हमने सिर्फ यूजर को ऐड किया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन को भी ऐड कर देंगे, app.useOf, इसके अंदर आपको लिखना है /API/v1/admin, और उसके बाद में रिक्वायर फंक्शन, और जो भी आपने एक फाइल क्रिएट की होंगी एडमिन के नाम से, यानी राउट की फाइल, उसको आपको ऐड कर देना है। सो यहाँ पर /routes का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है एडमिन राउट, तो यहाँ पर ये कॉन्फिगर हो जाएगा। अब हम इस राउट का जो है यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल राउट हमारा कैसा बनेगा, ये बनेगा API/v1/admin/getAllUser। इसके बाद में हमको जो है टोकन भी पास कराना है, तो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हेडर्स को, हेडर्स, और इसके अंदर हमारे पास रहेगा ऑथराइजेशन, और यहाँ पर बैक टिक का यूज कर लेंगे, नेमिंग कन्वेंशन हमको फॉलो करना है, बीएरआर लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर लोकल स्टोरेज को हम टारगेट करेंगे, और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे आइटम को, कौन सा आइटम को, टोकन के नाम से हमने बनाया था तो उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चेक करना है सक्सेस केस कि हमको एक्चुअल में यूजर लिस्ट मिलती है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर ये है तो क्या करेंगे, हमारी जो स्टेट है ना, इसको हम क्या करने वाले, फुलफिल कर देंगे। किससे फुलफिल करेंगे, रिस्पॉन्स में देखिए, हमने एडमिन कंट्रोलर के अंदर एक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल कर देंगे। सो सेट यूजर्स रेस डॉट डेटा डॉट डेटा, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे नेटवर्क टैब में कि एक्चुअल में हमको डेटा मिलता है या नहीं। चलते हैं ब्राउज़र पर, और यहाँ से आप क्या करें, इंस्पेक्ट करें और नेटवर्क टैब को ओपन कर लें, और इसको रिफ्रेश कर दें एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स है 200 गेट ऑल यूज़र। इस पर क्लिक करें, नीचे देखिए आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको स्क्रोल अप कर लें रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ दो यूजर है अभी, आपके केस में ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर शो होंगे। तो सक्सेसफुली हमारे पास डेटा आ रहा है, इसमें नेम पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड भी डायरेक्ट शो हो रहा है ना, अच्छा हैक्स है कोई दिक्कत नहीं है, हैक्स वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही चीजें हमारे पास आ रही है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराना है, बहुत सिंपल है, इसके लिए हम एंड डिजाइन टेबल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अगेन वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, इस यूज इफेक्ट के बाद में मैं कर लेता हूँ, और कॉमेंट ऐड कर देता हूँ एंड डी टेबल कॉलम, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट कॉलम्स के नाम से, कॉलम्स इक्वल टू एरे, एरे के अंदर हमारे पास रहेंगे ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले रहेगा टाइटल। टाइटल में जो आपको डिस्प्ले कराना है वो टाइटल लिखेंगे, जैसे कि नेम। उसके बाद में हमारे पास रहता है डेटा इंडेक्स। अब ये जो है आपके मॉडल से मैच होना चाहिए तभी जो है ये शो कराएगा। उसके बाद में अगर आपको जो है कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज शो करना है तो फिर आप रेंडर का यूज कर सकते हैं। नेम है, नेम के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसका ईमेल शो करा सकते हैं। सो टाइटल, ईमेल, डेटा इंडेक्स में भी आपको जो है ईमेल लिखना है। जो भी आपने मॉडल के अंदर स्पेलिंग दी होंगी तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। नेम, ईमेल, और उसका हम क्या शो करा सकते हैं, कब क्रिएट हुआ है वो भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएटेड एट की प्रॉपर्टी थी अपने पास, उसका यूज कर लेंगे, क्रिएटेड एट। और यहाँ से आपको डेटा इंडेक्स पे ऐड कर देना है, डेटा इंडेक्स, ये रहेगा लोअर केस में। और एक्शन बटन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इन केस अगर हमको यूजर को डिलीट करना रहा तो। ये एडमिन साइट पे रहेगा, यूजर को जो है एक्सेसिबल नहीं रहेगा ये पेज। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब टाइटल ऐड कर देना है। और यहाँ पर अब हम रेंडर का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप टाइटल ऐड कर दें, जैसे कि मैं एक्शंस करके कर देता हूँ। डेटा इंडेक्स इसका नहीं है फिर भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सेम एक्शंस। और उसके बाद में रेंडर, रेंडर क्या है, एक फंक्शन की तरह काम करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, टेक्स्ट कह लीजिए। और उसके बाद में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब जो भी इसके अंदर डेटा है तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको रिटर्न करा देते हैं। तो पैरेंथेसिस लिखेंगे तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली हम इसके अंदर कुछ रिटर्न करा रहे हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव ऐड कर लेता हूँ, डिव, और इसको क्लास नेम दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स की, डी फ्लेक्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर देंगे, बटन, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि डिलीट, डिलीट या फिर ब्लॉक कर देते हैं इसको इन केस अगर यूजर को ब्लॉक करना रहा, तो इसीलिए मैंने इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा है। क्लास नेम भी हम ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम, और इसको कर देंगे btn, btn प्राइमरी, या फिर डेंजर कर देते हैं, डिलीट है इसीलिए हम डेंजर कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमने इतना टेबल क्रिएट किया है, पहले नेम, फिर ईमेल, फिर क्रिएटेड एट, और फिर एक्शंस। और ये सारी चीज़ें कैसे गेट करेंगे, अभी हमने देखा था ना इंस्पेक्ट के अंदर। देखिए नेटवर्क टैब में जाइए और यूजर लिस्ट को जो है रिफ्रेश करिए, उसमें हमारे पास है गेट ऑल यूजर। इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। ये देखिए नेम, ईमेल और क्रिएटेड एट नहीं आया है, एक बार चेक कर लेते हैं शो करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे टेबल जो है पास करा देंगे। यहाँ पे आपको टेबल यूज करना है और एंड डिजाइन में से इसका यूज करेंगे। इस पर क्लिक करें तो टॉप पे जो है इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी ऐड हो जाएगा। ये रहेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर कॉलम्स आपको पास कराने हैं, कॉलम्स। अभी जो कॉलम्स का वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया था वो आपको पास कराना है, कॉलम्स। ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में डेटा सोर्स, और इसके अंदर हम यूजर्स को पास करा देंगे, यूजर्स। ये यूजर्स हमारी स्टेट की वैल्यू है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए बराबर से आ गया था। नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट नहीं आ रहा है ना अपने पास, तो उसको रिमूव कर देंगे। और एक्शन में देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक, तो सक्सेसफुली हमने इसको गेट कर लिया। H1 को क्लास नेम दे देंगे, मार्जिन स्टार्ट से 3, या फिर सेंटर में कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन 2। और इस क्रिएटेड एट के बदले हम क्या करेंगे, दूसरा कुछ ऐड कर देंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, नेटवर्क टैब में एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। गेट ऑल यूजर, रिस्पॉन्स, नेम, ईमेल, इस डॉक्टर है ना, इसको चेक कर लेंगे हम, यहाँ पे इस डॉक्टर कर लेते हैं। और ये बूलियन वैल्यू है तो ये भी शो नहीं होंगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेंडर का यूज कर सकते हैं, रेंडर, टेक्स्ट, रिकॉर्ड, और इसके अंदर स्पैन को ऐड कर देंगे। टर्नरी ऑपरेटर की मदद से इसको गेट करेंगे। सो रिकॉर्ड डॉट इज डॉक्टर, तो क्या करो यहाँ पे जो है यस कर लेंगे हम, एल्स में नो कर लेंगे। चेक कर लेते हैं इसको, ये काम करता है, सेव। तो देखिए यहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी यूजर लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, डॉक्टर लिस्ट भी सेम इसी तरीके से गेट करना है। तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो मैन्युअली सारा कोड लिखें तो आपको भी जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं हम डॉक्टर पेज में। तो डॉक्टर पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, doctors.js। इसमें भी टॉप पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर देंगे बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक्सियोस हमको लगा था, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, उसी तरीके से हमको चाहिए यूज स्टेट और फिर यूज इफेक्ट हो, और बाकी का आप एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो फंक्शन है सेम आपको क्या करना है, उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। गेट यूजर के बदले हम क्या करेंगे, इसको गेट डॉक्टर्स कर देंगे, और इसी फंक्शन को हमको कॉल कर देना है यूज इफेक्ट में। और पहले क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर्स सेट,
डॉक्टर्स इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियली एम्प्टी एरे, और यहाँ पर सेट यूजर के बदले सेट डॉक्टर्स, और ये एंड पॉइंट भी आपको चेंज कर देना है. राउट के अंदर देखिए हमारे पास था गेट ऑल डॉक्टर्स, तो इसको आपको ऐड कर देना है. पेस्ट, टोकन एज इट इज रहेगा, सारी चीजें सेम है क्योंकि हमने सेम लिखा था. अगर आप कंट्रोलर चेक करेंगे ना, देखिए सेम चीज है, इसमें भी हमारे पास डेटा है. अब इस डॉक्टर को यूज इफेक्ट में कॉल कर देना है, तो इसी में से इसको कॉपी कर लेंगे यूज इफेक्ट को, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे गेट यूजर के बदले गेट डॉक्टर्स. सेव कर लेते हैं इसको, पहले चेक कर लेंगे कि ये सच में हमारे पास आता है या नहीं डेटा, फिर उसके बाद में जो है हम उसको टेबल के फॉर्म में जो है शो करा देंगे. नेटवर्क टैब को ओपन कर लें और मैं डॉक्टर्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बराबर से गेट रिक्वेस्ट कॉल हुई है, और रिस्पॉन्स देखेंगे तो सारे डॉक्टर्स हमको मिलने चाहिए. देखिए दो डॉक्टर्स है अपने पास, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. टेक इन्फो वाईटी था और एक जो है डमी हमने टेस्ट पर्पस के लिए ऐड किया था. तो इसको अब हमको सिंपल गेट करना है, तो गेट करने के लिए आपको अगेन एक कॉलम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा. कॉन्स कॉलम्स इक्वल टू एरे, और इसके अंदर अगेन टाइटल, टाइटल में हमको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम शो कराना है. सो यहाँ पे नेम कर देंगे इसको, और रेंडर की मदद से दोनों नेम को जो हम कंबाइन कर देंगे. डेटा इंडेक्स इसको कर देंगे नेम, और फिर रेंडर का यूज कर लेंगे. इसके अंदर हमारे पास रहता है टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड. अब ये हमको एंड डिजाइन से मिलता है, ये रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये एंड डिजाइन स्पेसिफिक है. इसमें डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न में हमको क्या करना है, दोनों नेम्स को जो है कंबाइन करना है. तो कैसे करेंगे, सिंपल एक स्पैन ले लेंगे स्पैन टैग, और इसके अंदर जो हम रिकॉर्ड की मदद से दोनों को शो करा देंगे. रिकॉर्ड डॉट फर्स्ट नेम, चेक कर लेते हैं एक बार हम आउटपुट. नेटवर्क टैब, और रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले. गेट ऑल डॉक्टर्स, ये रहा रिस्पॉन्स. डेटा, डेटा के अंदर चेक कर लें, देखिए फर्स्ट नेम है और फिर लास्ट नेम है, तो ये चीज चाहिए अपने को. सो मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, स्पेस दे दें. उसके बाद में रिकॉर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को भी जो है शो करा देंगे. रिकॉर्ड डॉट लास्ट नेम, तो नेम आ गया. उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है स्टेटस शो करा सकते हैं उसका, कि ये डॉक्टर बना है, यानी यानी रिक्वेस्ट जो आएंगे ना उसका स्टेटस हम शो करा सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ स्टेटस, और फिर इसका डेटा इंडेक्स भी हम ऐड कर देंगे. डेटा इंडेक्स, और ये भी रहेगा स्टेटस. और ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीजें आ रही ना, तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और फोन नंबर भी ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल फोन डेटा इंडेक्स, और उसमें फोन को ऐड कर देना है. मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, और उसके बाद में हम यहाँ पर एक्शंस को जो है शो करा देंगे. तो इसके अंदर एक्शन क्या रहेगा, अप्रूव या फिर रिजेक्ट, दोनों में से एक ऑप्शन हमको यहाँ पर शो कराना है. सो इसके बाद में टाइटल, टाइटल के अंदर रहेगा एक्शंस, फिर डेटा इंडेक्स हमको ऐड कर देना है, रेंडर हम ऐड कर देंगे, ये रहेगा फंक्शन, इसके अंदर हमारे पास रहता है टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड एरो फंक्शन, और यहीं पर इसको रिटर्न कर देंगे. और इसके अंदर मैं डिव को ऐड कर देता हूँ, और इसको हम कर देंगे क्लास नेम, ऐड कर देंगे इसके अंदर डीफ्लेक्स. और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशनली चेक करना है स्टेटस की मदद से, जो है बटन यहाँ पर शो करना है. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉर्ड डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग. अगर इसका स्टेटस अगर पेंडिंग है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे बटन को शो करा देंगे बटन, और इस बटन का नाम हम रख देंगे अप्रूव, और इसको क्लास नेम भी हम ऐड कर सकते हैं क्लास नेम, और इसमें कर देंगे बीटीएन, बीटीएन सक्सेस. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मल्टी लाइन कर देते हैं हम इसको, देखिए बीटीएन 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 सक्सेस. एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे एल्स, और एल्स में भी बटन ही ऐड कर देंगे हम बटन, और इसको कर देंगे रिजेक्ट, और क्लास नेम इसमें भी ऐड कर देंगे क्लास नेम, इसको कर देंगे बीटीएन बीटीएन डेंजर. तो इसके अंदर हमने जो है दो बटन ऐड किए हैं, सबसे पहले बटन जो रहेगा वो रहेगा सक्सेस के लिए, सेकेंड वाला रहेगा रिजेक्ट के लिए. तो दोनों ही बटन आपको ऐड कर देना, सेव कर लेते हैं इसको. तो ऑटो सेव में ये कुछ इस तरीके से हो गया. आपके केस में नहीं होता है और आपको मल्टी लाइन यूज करना है, तो आप कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग सही कर देंगे पहले, ये रहेगा रेंडर. सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे. चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पे बराबर से हमारे पास एक्शन भी शो हो रहा है, क्योंकि कोई भी अभी यहाँ पर अप्रूव डॉक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अप्रूव का बटन शो कर रहा है. जैसे हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रिजेक्ट का बटन शो करेगा, यानी कि वो ऑफिशियली डॉक्टर हो जाएगा. तो सक्सेसफुली हमने यूजर्स और डॉक्टर्स दोनों को गेट कर लिया है. अब हमको क्या करना है, अप्रूव की फंक्शनैलिटी और फिर यहाँ से यूजर को ब्लॉक करने की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.